प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 4,510 नए केस, पॉजिटिविटी दर 1.33%। अगले सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का होगा सीधा प्रसारण, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दी अनुमति। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मियां तेज, अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बनाए गए उद्योगपति रतन टाटा, कई बड़ी हस्तियों को किया गया शामिल। अरुणाचल राजमार्ग मुआवजे में ईडी का छापा, 3.95 करोड़ की राशि हुई जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कॉमेडी की दुनिया के सरताज और भारत के मशहूर हास्य कलाकारों में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े कई दिग्गजों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे, वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे, उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गाँव गवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ वहाँ राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने, मुंबई शहर पहले बम्बई हुआ करता था तब का साथ रहा, 30 साल साथ में मकान खरीदा। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। फिल्मी जगत के सितारे राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है।
जी नमस्कार। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे। यकीन करना मुश्किल है, पिछले एक घंटे तो मैं सोच भी नहीं पाया। पूरा महीना लोगों ने दुआएं की हैं राजू भाई के लिए, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, और सारी दुआएं ईश्वर तक पहुंची, मगर राजू भाई हमारे बीच नहीं आ पाए। ये बहुत दुख की बात है। राजू भैया का जाना कानपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो किसी भी तरह से पूरी नहीं करी जा सकती। राजू भैया ने जो कोर्स किया था उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अपने आप अंदर से निकलती है। राजू भैया ने कानपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चबूतरा छाना, उसके बाद इतने बड़े कॉमेडियन बने। इसमें वो नहीं है कि आप अपने लड़के को भेज दो कहीं और कोई उसको कॉमेडियन बना दे, हमारे पास कोई आबे मौका इतना लायक कर दे कि वो सबका हंसाए लगे। हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने देवी देवताओं से पूजा अर्चना कर रहे थे। उसके बाद भी हम लोग राजू भैया को नहीं बचा पाए, बहुत हम लोगों के लिए दुख की बात है। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूँ प्रार्थनाओं के लिए, और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सदगति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए, और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, एक मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले। मैं, मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था यार क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रिय राजू भाई, आपकी दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए। खबर प्रयागराज से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिवंगत सांसद विनोद सोनकर के घर आकस्मिक निधन पर उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। यूपी में कानून व्यवस्था का राज है, हम उच्च कोटि की व्यवस्था सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सपा अध्यक्ष और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी खींची हुई है, डिरेल्ड है, सत्ता जाने से जिस प्रकार मछली बगैर पानी की तड़पती उस तड़प रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है, हर स्थिति में उसको हम पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय सीट दर्ज करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँच रही हैं। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी डरे हुए हैं, कानून का राज कायम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खबर श्रावस्ती से है, जहां एसपी अरविंद कुमार मौर्य के नेतृत्व में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं का जागरूक किया गया। वहीं महिला वीट पुलिस अधिकारी शक्ति मोबाइल नारी सुरक्षा दल ने गांव में भीड़भाड़ वाले इलाकों में मिशन शक्ति के तहत चौपाल लगा महिलाओं व बालिकों को आत्मनिर्भरता के संबंध में जागरूक किया। साथ ही कानून व नियमों और हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी।
संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी के ग्राम मोहम्मदापुर में बुखार से एक ही गांव में 8वीं बच्ची मौत हो गई। वहीं गांव में हर घर में बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर के मरीज देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हर घर में बुखार फैल रहा है। बता दें कि गांव में 3 बार कैंप लगाया गया है, लेकिन डॉक्टर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अभी ऐसा कोई वायरल फीवर है ही नहीं। सीतापुर में सिंधौली कोतवाली क्षेत्र के अल्लीपुर गांव में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक अचानक रोलर से टकरा गया। रोलर से टकराने के बाद ट्रक एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रही महिला और उनके पति दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही गाँव वालों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली में युवक ने अपने ही मामा की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। वहीं हत्या के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुट गई है। आज रात्रि में लगभग 1:30 बजे 112 नंबर की कॉल थी, उस पर जानकारी हुई कि एक श्याम बिहारी नाम की व्यक्ति है, जिनकी लगभग 50 साल है और वो अनमैरिड है, उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उनकी गला रचकर हत्या कर दी गई है। सूचना पे हमारे थानाध्यक्ष CO महमूदाबाद में स्वयं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पे गए थे वहाँ पर और विधिवत हम लोगों ने बातचीत किया। आरंभिक रूप से घटना में यह तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि पूरा मामला प्रॉपर्टी के विवाद। खबर गाजियाबाद से है, जहां शाती चोरों ने दुकान के शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सुबह दुकानदार ने स्थानीय पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी, साथ ही पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि शाती चोर अपने साथ CCTV, SCV और DVR भी चुरा ले गए। साथ ही गाजियाबाद पुलिस पर लगातार चोरी की घटनाओं पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। लगातार चोरी की घटनाओं से इलाकों में दहशत का माहौल है। सुबह आए 4:30 बजे के आसपास, देखा तो शटर टूटा पड़ा दुकान का, कैमरा, DVR ये सारा कुछ ले गए। उसके बाद जो बंद बंद पेटियां मिली, काजू की पेटी, बादाम की पेटी, देसी घी, मखाने इकट्ठा, ये सब सामान जो भी उनको बंद पैक मिला वो सब ले गए भर के। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपके? सर नुकसान तो 1.5 से 2.5 लाख रुपये के आसपास का है। इसमें CCTV लगे दुकान में? कैमरे लगे, कैमरे का DVR और LCD सब ले गए, निकाल के तोड़ के सारा कुछ ले गए। खबर सीतापुर से है, जहां बिस्वा देहात में 4 दिन पहले गांव का ट्रांसफर खराब हो गया, जिसकी सूचना विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से की गई, तो वहीं अभी तक ट्रांसफार्मर न ठीक होने पर ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी को शिकायत प्रार्थना पत्र देकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। 7 दिन हो गए लाइट ना आ रही है, लड़का बच्चा वो परेशान, बुखार इस तरह के तबाह कर रहे हैं, अब लड़का भी टेन कहाँ, बड़ी दिक्कत है। पानी बस्ते में भर जाते हैं, निकास भी ना आए, अब बड़े बड़े जानवर कीड़े रेंगते हैं अंधेरे में, आज उजाला ना है तो बच्चे अंधेरे में दिल लगते है कि हम कहाँ पर जानवर बैठा काट खाए, तो हम जब बच्चे ना है तो हम क्या करें। सर ये है कि मुझे लाइट नहीं आती हमारे यहाँ, ट्रांसफार्मर 4 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, दिक्कत तो है ही है, बाहर वो सोया जाए बच्चे बीमार, गर्मी में सोया तब भी दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मतलब हमारी गाड़ी भी नहीं चार्ज हो पाती, जो 2 पैसे के लिए काम के लिए जाएंगे। अभी तक किसी अधिकारी ने कुछ कहा नहीं? कहा, आए चले गए, गए कई जगह, कुछ निवारण उसका हो नहीं पाया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लक्ष्मण गांव में रहने वाले युवक ने अज्ञात परिस्थितियों में की आत्महत्या। वहीं युवक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। बता दें कि युवक बीती रात से लापता था, जिसका शव आज सुबह ग्रामीणों ने शारदा सहायक खंड नहर के पास से पड़ा मिला। साथ ही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बलिया से है, जहां मिड डे मील का राशन हनुमानगंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दमदमा में राशन भारी मात्रा में पड़ा मिला। वहीं सूचना पर BC शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक से जानकारी ली, जिसमें बताया कि यह राशन कोविड काल के चतुर्थ चरण का है, छात्रों ने आने से इसे वितरित नहीं किया। साथ ही लापरवाही के मामले में BSS ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया।
में ही खाद्यान्न और कोटेदार के पास रहता है, या तो प्रधान के पास रहे या तो विद्यालय में रहे। हमारे विद्यालय में ही खाद्यान्न रखने का आदेश, सही पूछिए। या तो प्रधान जी सुरक्षित अगर विद्यालय में नहीं है तो प्रधान के घर रहता है। तो खाद्यान्न के संबंध में किसी प्रकार की चोरी नहीं है, लापरवाही है। खाद्यान्न हमारे विद्यालय में पड़ा हुआ है, लाभार्थियों को देना है। अब इनकी जिम्मेदारी है, तय की गई है कि एक हफ्ते के अंदर ये जो बच्चे उनको वितरण नहीं हो पाया है उनको खाद्यान्न का वितरण कराए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित एसडीएम कार्यालय में पूर्व कांग्रेस मुख्य संसदीय सचिव ने कई महिलाओं के साथ मिलकर मासूम दलित बच्ची की रेप के बाद हुई निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही सरकार विरोधी नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस पर नाकामी का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर इससे भी बड़े आंदोलन की बात कही और सरकार के शौच मुक्त नारे के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी विफल बताया। आज से सवा महीने पहले तकरीबन 11 अगस्त को एक मासूम बच्ची 11 साल की दलित जो थी उसका बहुत ही बेरहमी से उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और आज तक आरोपियों का कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हमारी पुलिस के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हमारा धरना है। जो एक बहुत मासूम 11 वर्षीय बच्ची की बलात्कार और हत्या के मामले में इकट्ठा हुए हैं, पिछले 11 अगस्त की बात है कि एक छोटी मासूम बच्ची जो दलित परिवार की थी वो रेलवे लाइन के पार आज़ाद नगर में शौच के लिए गई हुई थी, वहाँ किसी ने उसका बलात्कार करके बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, और आज सवा महीना बीत जाने के बाद भी बलात्कारियों का और उसके हत्यारों का कुछ अता पता नहीं है। आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, सरकार से मांग की है, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है कि वो हस्तक्षेप करें और इस बच्ची के हत्यारों का बलात्कारियों का पता लगे, गिरफ्तार हों और उनको सजा मिल सके। लखनऊ में अवैध मंडी और बांस मंडी पर अवैध स्टैंड लगाकर दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहीं इसको लेकर कुछ साल पहले दो गुटों में आपस में विवाद हो चुका है। यह अवैध मंडी कई अवैध वसूली को लेकर तो कहीं रोड पर अतिक्रमण को लेकर विवाद में रहते हैं, जिसका आला अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार पर राशन कम देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी लहरपुर को प्रार्थना पत्र देकर कोटेदार पर राशन कम देने का आरोप लगाया है। साथ ही शिकायत करने पर दबंगई करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कोटेदार पर जांच कराने की मांग की है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।